मेरठ में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल प्रचार के दौरान वाल्मीकि बस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने वाल्मीकि परिवार के साथ भोजन किया। अरुण गोविल के पहुंचने पर महिलाओं ने उनकी आरती उतारी और उनका फूलों से स्वागत किया। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुनीता वर्मा भी प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। उन्होंने भी शहर के विभिन्न बाजारों में प्रचार किया। सुनीता वर्मा का भी लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। के लिए सम्मान के लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने स्वागत किया है, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा कि इस चुनाव हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी लोग वोट करें, 100% वोट करें। चुनाव प्रचार हमारा पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, चारों तरफ हमारी टीमें लगी हुई हैं, सर समाज का हमें सहयोग मिल रहा है। आज हमारे अमित शर्मा जी हैं जो कैंट विधायक चुनाव लड़े हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं, उनका समर्थन पूरा मिल रहा है, पूरे व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है, सारे हर व्यापारी आज की डेट में सब परेशान है, इसलिए सबका समर्थन हमें मिल रहा है।